हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पर, जहाँ अगेन आपके लिए लेकर आए हैं होली स्पेशल अमेजिंग रेसिपी। बनाने जा रहे हैं झटपट बन जाने वाले बस 5 मिनट में मावे के लड्डू। अगर आपके पास भी टाइम कम है और आप अपने हाथों से अपनी फैमिली के लिए, अपने गेस्ट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, आप इन मावा लड्डू को बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आज के दानेदार मावा लड्डू बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पैन में लिया है 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पे ऐड करेंगे मावा। यहाँ पे हम पूरा 1/2 kg मावा ले रहे हैं, यानी हमने पूरा 500 ग्राम मावा यहाँ पे लिया है। ये हमारा घर का निकला हुआ मावा है, इसलिए ऑलरेडी हमने इसे भून रखा है। आप देख सकते हैं इसका कलर से ही पता चल रहा है, लाइट गोल्डन कलर का मावा है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने इसे पहले से ही भून लिया था। अगर आप यहाँ पर बाजार का कच्चा मावा लेते हैं तो एक बार उसे हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक भून लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आगे की प्रोसेसिंग करनी है। मावे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, कि मावा ठंडा होने की वजह से काफ़ी टाइट हो गया है, इसलिए हमने हल्का सा लूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड करी है चीनी। यहाँ पे पूरे 1/2 किलो मावे के लिए हमने ऐड करी है पूरी 200 ग्राम चीनी। 500 ग्राम मावे के लिए 200 ग्राम चीनी इनफ है अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छी मिठास के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कम और ज़्यादा मीठा करना चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बस जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लूज़ हो गया है, चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है। बस ऐड करेंगे यहाँ पे 50 ग्राम करीब नारियल यानी सूखे गोले का बुरादा यहाँ पे हमने ऐड करा है। पूरे प्रोसेस में गैस अभी तक हमारी स्लो फ्लेम पर रही है और बस अच्छे से हमने गोले के बुरादे को भी इसके साथ मिक्स कर देना है। हमने घर के गोले के बुरादे को किस तरह से निकाला जा सकता है उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रखी है। और बस चलाते हुए बिल्कुल अच्छे से हमने गोले के बुरादे को भी मिक्स कर देना है हमारे मावे के साथ। और बस जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, करीब 1 से 2 मिनट इसे और हमने पकाना है। और बिल्कुल अच्छे से जब हमारा ये पक जाएगा, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारा ये कुक हो चुका है और चीनी भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। फ्रेंड्स, कई बार मावे में जब चीनी इस तरह से डालते हैं तो मेल्ट होने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उस केस में 1 से 2 चम्मच दूध को ऐड कर दीजिएगा मावे में और उसके बाद चीनी को मेल्ट करेंगे तो बहुत ईजिली चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छे से मिश्रण तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे 200 ग्राम चीनी को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। और बस इस मिश्रण को हमने अच्छे से ठंडा होने देना है। उतार लेंगे इसे एक बर्तन में, जिससे कि इतना ठंडा हो जाए कि हम हाथ से इसे ईजिली टच कर सकें, इतना ठंडा हमने इसे कर लेना है। यहाँ पर हमने इसे इस प्लेट में उतार लिया था और हल्का सा हाथ पे लगाएंगे घी और बस इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। जब हमें लगेगा कि बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, हाथ से टच करने लायक, करीब 5 से 10 मिनट हमें हो गए हैं गैस पर से इसे उतारे हुए और बस इस समय इसका टेम्परेचर इतना है कि हम इजीली इसके लड्डू बांध सकते हैं, हाथ से इसे टच कर सकते हैं। यहाँ पे इस लेवल पे ऐड कर रहे हैं हम करीब 2 चम्मच रफली चॉप किए हुए और थोड़े छोटे चॉप किए हुए काजू, साथ में ही रफली चॉप किए हुए हम यहाँ पर ले रहे हैं करीब 2 चम्मच ही बादाम, साथ में यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 से 2 चम्मच किशमिश, ये भी हमने रफली चॉप कर ली है। साथ में ही फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब खरबूजे की गिरी यानी मिंग, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। और साथ में ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इलायची पाउडर करीब 1/2 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करेंगे इलायची पाउडर। और बस बिल्कुल अच्छे से हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को, सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देना है। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं। और बस जब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हमने स्टार्ट करने हैं इसके लड्डू बांधने। बहुत ईजिली बंद कर तैयार हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी इसके लड्डू बांधने में। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये लड्डू। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स डालते समय भी गोले के बुरादे को डाल सकते हैं, लेकिन चीनी में पका हुआ मावा और साथ में गोले का बुरादा, उसके बाद बनाए गए लड्डू का टेस्ट अलग ही होता है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे अगर आप चीनी के साथ ही मावे को और गोले के बुरादे को अच्छे से कुक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ईजिली हमारे लड्डू झटपट बनकर तैयार हो रहे हैं और हमने हमारे सारे ही मिश्रण के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो बस निकालेंगे इन्हें एक सर्विंग प्लेट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ईजिली, बहुत झटपट 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी थी। आप चाहें तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इस त्यौहार आप इन्हें झटपट बना के अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। बस ऊपर से गार्निशिंग के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं बारीक कटा हुआ पिस्ता, जिससे ये देखने में भी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो यहाँ पे हमने पिस्ते को बारीक काट करके रख लिया था और बस गार्निश कर देंगे हमारे सारे ही लड्डू को बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ। घर का मावा ना हो तो आप झटपट 5 मिनट में बाजार के मावे से भी इन लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
इस त्यौहार आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। कम समय की बहुत ही झटपट बन जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी हमारी सर्विंग के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ही बढ़िया आया है। फ्रेंड्स हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।